हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। और आप देख रहे हैं थ्री व्लॉग्स। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ नई चीज़ जो कि मैंने अभी खरीदी है, एक दो दिन हुआ है, बट मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था, इस वजह से जो है उसकी अनबॉक्सिंग नहीं हो पाई थी। तो वो आगे की वीडियोस के लिए, हमारी इंस्टाग्राम के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है मतलब। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या ख़रीदा है। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये भी बताऊँगा गाइस कि जो चीज़ मैंने ख़रीदी है उसका कंपैरिजन भी करके दिखाऊंगा इंडिया से और यहाँ यूएस में, वो चीज़ मुझे कितने की मिली है। शायद मैंने अभी बाद में देखा वो चीज़ लेने। कैमरा है गाइस, ये एक दो दिन पहले ही हमने ख़रीदा है। और चलिए गाइस करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, इसका क्या प्राइस है, कैसे इसको यूज़ करना होता है। मेरे को भी अभी इसके बारे में, क्योंकि मैंने कभी कैमरा यूज़ नहीं किया है गाइस, मेरा भी फर्स्ट टाइम है। तो अभी हम इसको अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये है गाइस कैमरा, ये है सोनी कैमरा A73। ये कैमरा है गाइस, ये आप देख सकते हैं। और ये अभी हम यूज करेंगे इसको और इसको देखेंगे भी ट्राई करके कि कैसे पिक्चर्स से क्लिक करता है। वीडियो के लास्ट में मैं एक दो पिक्चर्स भी इससे क्लिक करके मैं अपने इंस्टाग्राम पे भी और अपने यूट्यूब वीडियो के लास्ट में भी मैं एक छोटी सी क्लिप इससे क्लिक करके पिक्चर्स या फिर कोई भी वीडियो शूट करके मैं अपनी वीडियो के लास्ट में इसको डालूंगा, ऐड करूंगा। तो देखिए गाइस, इसमें थोड़े फंक्शंस हैं, क्योंकि जब मैं ये ख़रीदने के लिए गए तो उन्होंने बेसिक सी कुछ चीज़ें बताई थी। ये जो ऑप्शन होता है गाइस, ये होता है ऑन ऑफ़ का। इसको हमने ऐसे कर दिया तो ये शायद ऑन हो गया होगा। हाँ जी गाइस, ये देखिए इसमें डिस्प्ले आ चुकी है। और ये जो डिस्प्ले है वो यहाँ से उन्होंने बोला था इसको हम ऐसे कन्वर्ट भी कर सकते हैं, जैसे कोई शूट करना है हमने तो इसको हम ऐसे कन्वर्ट, ऐसे मूव भी कर सकते हैं और ऐसे यूज़ भी कर सकते हैं। ये इसकी डिस्प्ले हो गई गाइस, ये इसका शटर बटन है। और सबसे अच्छी बात गाइस इस कैमरे के अंदर ये है कि ये ऑटो फोकस खुद वो कर लेता है कि भाई जैसे हमें किसी भी चीज़ के ऊपर फोकस करना है यहाँ से, तो हम इसको हल्का सा टैप जो है उसको ऐसे ऐसे कर करके हम उस चीज़ पे ऑटो फोकस कर सकते हैं, और जिसमें कि जो पीछे की चीज़ें हैं और जो क्लोज की चीज़ें हैं वो ब्लर हो जाती हैं। तो ये एक डिलीट, इसमें ये एक डिलीट ऑप्शन है जिससे आप जो भी पिक्चर्स आपने क्लिक करी हैं उसको आपको ट्रैश करना है या फिर बिन में भेजना है तो ये उसका ऑप्शन है। और गाइज ये वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए है, आप 4K में आपको वीडियो रिकॉर्ड करनी हो या फिर कैसे भी आपको वीडियो रिकॉर्ड करनी हो, इसे क्लिक करके आपकी जो वीडियो रिकॉर्डिंग है। स्लॉट इसके अंदर ये दो स्लॉट्स हैं, एक टाइप सी और एक जो पुराना एंड्रॉयड में जो आता था एक वो है। इसका मेन्यू ऑप्शन है, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, जैसे ही हम यहाँ पर मेन्यू में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इसके अलग अलग मेन्यू ऑप्शंस ऐसे मेन्यू ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं यहाँ से। और यहाँ से हम इसको, ये जूम का ऑप्शन होता है गाइस, यहाँ से आप जूम कर सकते हैं जो भी अपनी फ़ोटोज़ आपने क्लिक करी है, फंक्शन वगैरह हैं। और यहाँ पर ये फंक्शंस हैं, यहाँ पर क्लिक करके आप अपनी सेटिंग्स या फंक्शंस जो भी हैं वो यूज़ कर सकते हैं। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ गाइस, मैंने अपनी एक पिक्चर भी इसमें शायद क्लिक करी थी उस टाइम पे। ये एक पिक्चर मैंने अभी क्लिक करी थी गाइस, ये आप देख लीजिए। बाकी मैं अभी देखूँगा इसको शूट करूँगा, पहले मुझे भी पहले सीखना ही पड़ेगा इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे कैसे क्या चीज़ें होती हैं, कितने पिक्सल्स होते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, क्योंकि मुझे कैमरे की कोई नॉलेज नहीं है गाइस। तो शायद टाइम लगे और धीरे धीरे हम इसको सीख जाएं। ये बटन जो है यहाँ पर, इसको हमें ऑटो पे रखना है जिससे कि आप ऑटोमेटिकली स्कैन और पता नहीं कुछ क्या बताया था उसने, मुझे भी अभी कन्फर्म नहीं है। और ये वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए है गाइस, ये जो ऑप्शन है इसमें, तो इन्होंने बोला था कि इसको ऑटो पे ही आप यूज़ करके अभी बेसिक जो फ़ोटोग्राफ्स हैं वो ऐसे ही आप वीडियोज़ के लिए और फ़ोटोग्राफ्स के लिए आप इसी को यूज़ करना। और बाकी गाइस ये इसका कवर है सामने से, ये जो कैमरा है गाइस ये है मिररलेस कैमरा। और अभी इसमें यहाँ पर लेंस जो है वो हम ऐड करेंगे। इसके साथ हमने गाइस लिया है एक लेंस,
जो कि इसको हम ऐड करेंगे। अभी हम इसको बंद, ये लेंस का बॉक्स है गाइस, ये इसमें लेंस रखने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं। ये है गाइस 2470 गाइस के साथ हमने लेंस जो कि हमने अलग से परचेज किया है, और इसके अंदर ये शटर है। इस शटर को हम ऐसे ओपन करते हैं, और गाइस मुझे भी ये नहीं मालूम था पहले, इसमें ये जो डॉट वाइट जो डॉट बना हुआ है और इसके अंदर भी यहाँ पर जो वाइट डॉट है, इसको कैसे सेट करना है, लेंस को कैमरे के अंदर कैसे सेट करना है, उस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कुछ लोगों का मैंने सुना है कि उन्होंने गलत तरीके से लेंस लगा लिया, लेंस लगाने के बाद फ़ोटोज़ अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक नहीं हो पा रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही है। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम जैसे एक लेंस ऐड कर रहे होते हैं तो गलती से वो कहीं पे अटक जाता है ऐसे, और फिर जैसे हम लेंस यहाँ से छोड़ देते हैं और नीचे की ज़मीन पर गिर जाता है और लेंस ख़राब हो जाता है, फिर टूट जाता है। तो क्या इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग भी। ये जो वाइट डॉट यहाँ पर है, ये जो वाइट डॉट यहाँ पर है, इसको हम ऐसे ऐड करेंगे यहाँ से। ये मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, ओ सॉरी मैंने ये तो खोला ही नहीं। तो गाइस इसका भी शटर है, ये जो शटर लगा हुआ था इसकी, तो इसको हम ऐसे पकड़ेंगे गाइस, इन दोनों चीज़ों को ऐसे पकड़ के इसको वाइट को, और वाइट को हमने ऐसे लगाना है और राइट की तरफ रोटेट करना है। ये जब जैसे ये देखिए गाइस, मैं आपको बताता हूँ, जैसे आवाज़ आ जाए ठीक ऐसे, तब आप समझिए कि आपका जो लेंस है वो अच्छे से सेट हो चुका है। और ये बन चुका है गाइस एक सोनी कैमरा विद 2670mm लेंस। तो अभी गाइस देखते हैं इसके अलग अलग फीचर्स, कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये यहाँ से हमने ये ऑन कर लिया, ऑन करने के बाद इसकी ये सेटिंग्स हैं गाइस, अभी आप देख सकते हैं आप, ये ऐसे जूम यहाँ से, यहाँ ये जो चीज़ है यहाँ से आप जूम भी कर सकते हैं। ये देखिए गाइस, आपको शायद डिस्प्ले के अंदर दिख रहा भी होगा, ये देखिए ये जो लेंस है बहुत कमाल का लेंस है, और शायद ये फोटोग्राफी के अंदर हमारी अच्छी अच्छी चीज़ों के अंदर यूज़ होगा, और शायद कुछ अच्छी चीज़ों की फ़ोटोज ये क्लिक करेगा और हमारी वीडियोज़ में हेल्प करेगा। तो गाइज इसको यूज़ करके देखेंगे कैसा ये है, क्या इसकी बैटरी लाइफ है। और अभी मैं आपको गाइज ये बता देता हूँ कि इसके थोड़े से फीचर्स जो एक्स्ट्रा जो उन्होंने मेरे को बोले थे, और मेन चीज़ गाइज इसको निकालने का, ये जो लेंस है उसको कैमरा से निकालने का, यहाँ पे मैं भूल गया था सॉरी, यहाँ पे एक बटन दिख रहा होगा आपको, ये हमें इस बटन को प्रेस करना है, फिर इसको ऐसे रोटेट करना है और ऐसे निकाल लेना है। जैसे हमने क्लॉकवाइज इसको ऐसे करके और घुमाया था तो ये ऐड हो गया था इसके अंदर, और इस ये जॉइंट पूरे अच्छे से वो हो गए थे यहाँ पे। ये देखिए इसके शटर के लॉक्स बने हुए हैं, वो लॉक्स एक दूसरे के अंदर सेट हो गए थे। बट अब जैसे ही हम उसको दबाते हैं, हम एंटी क्लॉकवाइज उल्टी साइड पर उसको हल्का सा घुमाएंगे, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव चीज़ है गाइस, और मैंने आपको बताया है जैसे कैमरे से तो महंगे साल यार ये जो लेंस है वो हमें पड़ा है। अभी हम क्या करेंगे इसको, ये लेंस बॉक्स सॉरी ये जो बॉक्स है इसके साथ, इसको हम इसके अंदर ऐसे सेट करके अच्छे से सॉरी इसको हम लगाएंगे यहाँ पर, जिससे कि चलिए। तो गाइस इसको हमने सेट कर दिया है और इसको हमने लगा दिया है यहाँ पर, ये हो चुका है सेट। इसके साथ ही गाइस एक बेल्ट भी दी हुई है इन्होंने, जैसे गले में टांगने के लिए या फिर किसी यूज़ के लिए, हम बाद में देखेंगे। ये है गाइस इसका चार्जर, ये जो पुराने जो चार्जर आते थे एंड्रॉयड चार्जर, वो ही इसमें चार्जिंग दी हुई है यहाँ पे। और इसके साथ एक और केबल है आप टाइप सी, जो कि लेटेस्ट चार्जिंग केबल्स जो एंड्रॉयड्स के अंदर आती हैं वो भी इसके साथ है। वो मैं आपको स्लॉट दिखा देता हूँ वो कहाँ से ओपन होती है। ये जो गाइस आपको दिख रहा होगा, आपने इसको हल्का सा बाहर की तरफ वो करना है और ऐसे घुमा लेना है। ऐसे जब आप घुमाएंगे, इसमें आपको पोर्ट दिख रहे होंगे दो, एक जो नीचे वाला जो पोर्ट है वो जो पहले एंड्रॉयड जो चार्जर्स आते थे, जो पहले एंड्रॉयड फ़ोन्स आते थे उनका चार्जर है, और ये जो है गाइस ये है टाइप सी का चार्जर। और इससे जो ऊपर वाला है ये आपके माइक्रोफोन के लिए, आप यहाँ पर माइक्रोफोन लगा कर माइक्रो
फ़ोन लगा कर आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी शूट, कोई भी चीज़ आपको शूट करनी है आप यहाँ पर माइक्रोफोन लगा कर आप शूट कर सकते हैं। और यहाँ पर भी आपको कोई भी, जैसे कि ये मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, ये जो है गाइस, ये जो होता है गाइस, ये होता है फ्लैश लाइट्स के लिए। जैसे आपको किसी भी लाइट, जैसे आप इवनिंग में या फिर नाइट टाइम में शूट कर रहे हैं कोई भी, और आपको क्या करना है, आपको लाइट की प्रॉब्लम है, तो सोनी ने बहुत सारे कैमरास जो हैं उसके साथ में या फिर अलग से आपको लाइट जो है वो परचेज करनी होती है, जो कि आप यहाँ से इस, ये जो पार्ट होता है इसको ये ऐसे करके निकल जाता है, और यहाँ पर ये शटर जो लगा हुआ है इसमें आप वो जो लाइट्स आती हैं वो आप ऐड करके कोई भी फोटोग्राफ्स या फिर वीडियोग्राफी जो भी आपको करना है आप उसको उससे यहाँ पे लगा के इसको कर सकते हैं। या फिर आपको जो माइक्रोफोन्स लगाते हैं, जैसे आपको शूट करना है, खुद को शूट करना है, तो आप इसको यहाँ पे ऐड करके इधर इसको ऐसे रख के आप इसको इससे भी शूट कर सकते हैं गाइस। तो ये एक अच्छी चीज़ है। और इसके साथ साथ ये भी चीज़ दी हुई है, पता नहीं गाइस ये किस चीज़ के लिए, बट अभी मैं देखूंगा इसको, अच्छे से लर्न करूंगा मैं भी क्या क्या चीज़ें होती हैं इसके अंदर, कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। तो यही था गाइस। और अब आती है गाइस इसके प्राइस की बात गाइस। इसका जो प्राइस है वो आप बिलीव नहीं करोगे, इंडिया में और यूएस में इंक्लूडिंग टैक्स। मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ इनकी वैसी प्राइस क्या थी। ये गाइस जहाँ से हमने परचेज़ किया, ये जो लेंस है, लेंस की प्राइस थी 1699। ये देखिए गाइस 1699 सिर्फ, और ये यूएस डॉलर्स हैं गाइस, 1699.99 सेंट्स प्लस टैक्स वो अलग, ठीक है गाइस। और ये रहा कैमरा, कैमरा का भी शायद यहीं पे होगा 1999, ये आप देख लीजिए ये है कैमरा, क्योंकि ये भी हमें वहाँ पे जाके ही पता चला था गाइस कि जो लेंस जो होता है वो हमें अलग से परचेज करना पड़ता है। ये जो कैमरा जो आता है वो सिर्फ और सिर्फ कैमरा देते हैं, उसके अंदर कोई जो डेटा सेवर जो भी होती है माइक्रो एसडी या फिर कुछ भी वो ऐसा उसके साथ नहीं देते हैं, वो हमें अलग से परचेज करना पड़ता है। तो इसलिए हमने अभी 128 GB का जो है एसडी कार्ड भी वो उसी के साथ परचेज किया था हमने, तो मे बी 70 to 80 डॉलर्स में हमें उन्होंने जो है 128 GB का जो एसडी कार्ड है वो भी दिया है, जिससे कि हम जो अपनी मेमोरीज हैं, जो भी अपनी वीडियोस हैं और फोटोज़ हैं, उनको क्लिक करने के बाद लैपटॉप में या फिर किसी भी अपने उसमें सेव कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं और दोबारा से उसको डिलीट करके शूट कर सकते हैं। और इस चीज़ के साथ साथ गाइस उन्होंने एक तो ये एक ये बेल्ट है, एक और बेल्ट है, ये चीज़ें इसका जो बिल है वो मैं ऐड करूँगा। इसकी ऑलमोस्ट कॉस्ट जो है वो हमें पड़ी है लगभग $4,400, जो कि इंडिया के अकॉर्डिंग बनता है। मैं करंट रेट के अकॉर्डिंग भी बताता हूँ गाइस आपको देखने के बाद। $4,400 इन रुपीज, इंडियन रुपीज गाइस 3,59,932.76 रुपये इसकी जो है कीमत है यूएस के अंदर। मैंने इसको इतने प्राइस में परचेज किया है, बट मैंने अभी घर पर, मैं आया घर पर आने के बाद मैंने ऐसी इंडिया का जो अमेज़ॉन है उसको ओपन कर रहा था, मैं ऐसी कुछ चीज़ें सर्च कर रहा था और इसको कंपेयर करने की मैंने कोशिश करी, पहले मैंने भी ध्यान नहीं दिया गाइस, बट मैंने अमेज़ॉन इंडिया पे मैंने जाके अमेज़ॉन इंडिया पे मैंने इसका प्राइस देखा, और मैंने अपने कज़न को भी कॉल किया, उसको भी मैंने बोला, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इंडिया की जो अमेज़ॉन है वो यहाँ पर ओपन नहीं होती है मेरे फ़ोन में, तो कई बार थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इस वजह से मैंने उसको भी बोला, बट उसने जो प्राइस बताया मुझे उसके प्राइस में और इस प्राइस में डबल का डिफरेंस था। जैसे कि उसने मुझे जो एक्चुअल जो विद टैक्सेस जो अमाउंट वहाँ पर बताया, उसने 1,00,000 में भी 65,000 और 75,000 इंक्लूडिंग कैमरा, 2570 कैमरा और लेंस, इन दोनों का जो रेट है, इनकी दोनों की जो प्राइस है वहाँ पर इंडिया के अंदर गाइस वो 1,75,000 की जो एक्चुअल प्राइस जो मुझे इंडिया अमेरिका में जो मैंने ख़रीदा है ये
$4,400 के करीब इसकी जो प्राइस है वो थी, इंक्लूड टैक्स, इंक्लूड लेंस और मेमोरी कार्ड, जो एसडी कार्ड जो इसके अंदर इंसर्ट होता है गाइस। तो मैं इसकी इंसर्ट को, सॉरी मैंने आपको वो नहीं बताया, ये मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से। ये जो बटन है गाइस, ये जो बटन है इसको जैसे हम ऐसे करते हैं, तो इसकी ये एसडी कार्ड की टू स्लॉट्स जो हैं, दो स्लॉट्स इसके अंदर दिले दिए हुए हैं, एक स्लॉट ये है गाइस, एक स्लॉट ये है। तो ये जो स्लॉट होता है अभी शायद इसके अंदर हमारा एसडी कार्ड जो है, मेमोरी कार्ड वो लगा हुआ है 128 GB, 128 GB का जो एसडी कार्ड है वो अभी मैंने लगाया हुआ है। इसकी बैटरी जो है गाइस, वो बैटरी यहाँ पर है, ये यहाँ पर इसकी जो बैटरी है वो यहाँ पर दी हुई है। तो ये ऐसे, ये जो ब्लू है गाइस, ये जो ब्लू बटन है यहाँ पर, इसको हम अगर ऐसे करते हैं तो इसकी बैटरी बाहर आ जाती है। ये इसकी बैटरी है गाइस, और अगर हम एक्सटर्नली मतलब कहीं पे बाहर जाते हैं और इसको हम अगर, ये देखिए गाइस, हमेशा हमें इस पे चेक करना है कि ये जो बटन्स होते हैं, ये जो आगे बटन्स होते हैं इसके अंदर, इनके लिए जैसे चार्जर के अंदर स्पेस होता है गाइस, तो वो बना होता है हमेशा। जो बैटरी है वो इस तरीके से हमें यहाँ पे एंटर करनी है, क्योंकि इधर से अगर हम गएंगे इसको डालेंगे तो यहाँ पर शायद इसके डैमेज होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। तो गाइस इसको हमें ऐसे लेना है और इसको आराम से इसको यहाँ पर इंसर्ट करना है और ऐसे पुश कर देना है, ये जैसे ही आवाज़ आ जाएगी फिर हमें इसको ऐसे करके लॉक लगा देना है, ऐसे करके ये जो बटन है वो आगे प्रेस कर देना है गाइस, तो ये बंद हो जाएगा। और बाकी और जो चीज़ें हैं अभी मैं भी देख रहा हूँ, और यहाँ पे आपके ट्राईपोड के अंदर या फिर जो भी चीज़ें होती हैं इन कैमराज को यूज़ करने के लिए, उसमें आप इसको ऐसे करके यूज़ कर सकते हैं, इसको होल्ड कर सकते हैं कहीं पे भी और इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये था गाइस हमारा सोनी कैमरा। तो अभी हम इसके साथ कुछ फोटोग्राफ्स क्लिक करेंगे, और इस वीडियो के लास्ट में मैं कुछ फोटोग्राफ्स ऐड करूँगा इसके, मैंने जो क्लिक करी हैं या फिर वो छोटी कोई वीडियोस जो है वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगा और आप सभी को मैं दिखाऊँगा। तो यही था गाइस इस वीडियो में, और अब जो वीडियोस होंगी गाइस मैं कोशिश करूँगा कि इसी से ही शूट करूँ। पहले मैं इसको अच्छे से पढ़ूँ, इसके बारे में नॉलेज लूँ, फिर मैं उसके साथ साथ मैं आपको भी बताऊँगा कि मैंने एक ऐसी चीज़ें कहाँ से सीखी, कहाँ से मैं इसके बारे में पढ़ रहा हूँ और कैसे सीख रहा हूँ। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और मिलते हैं नई वीडियो में, बाकी नई किसी नई चीज़ के साथ या फिर किसी नई नॉलेज की वीडियो के साथ।